कहानी की शुरुआत में हमें रेटिका आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ की कैद से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है वहाँ की वार्डन इंगा उस लड़की को शूट करके मार डालती है। इसके बाद वहाँ के मगरमच्छ उसकी डेड बॉडी को खा जाती है। अगले सीन में हम इसी आइलैंड के एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथ तीन लड़कियों को लेकर आ रहा होता है। दरअसल ये लोग इस आइलैंड पर आने वाले को पकड़ लेते हैं और यहाँ के जेल में डाल देते हैं। इसके बाद वो आदमी तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और नेशनल इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ की S-13 टीम की चीफ बताती है कि रेटिका साउथ अफ्रीका का एक आइलैंड है जहाँ पर जाने वाले लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं। वो आगे बताती है कि उस आइलैंड को फ्रैंको नाम का एक डिक्टेटर कंट्रोल करता है जहाँ से वो पूरी दुनिया में ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में ब्रायंट नाम का स्मगलर वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया है जिसने इनके एजेंट 5 को पकड़कर बंदी बना लिया है जो कि वहाँ पर उनके साथ नेगोशिएट करने गई थी, जिस वजह से उसे KS-13 ऑपरेशन के बारे में पता चल गया है और उसने इंगा को वहाँ के पैनल सिस्टम का इंचार्ज बना दिया है जो एक बहुत ही बड़ी साइको है। दरअसल US गवर्नमेंट रेटिका आइलैंड के उस जेल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वहाँ के लोगों को फ्रीडम मिल सके, यानी कि आजादी मिल सके, इसके लिए उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके बाद चीफ एक नए एजेंट को आइलैंड पर भेजती है और उसे इंगा से केयरफुल रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड अब तीनों लड़कियों को सेल में ले जाकर बंद कर देता है और उनको एक ड्रेस पहनने को देता है। इसके बाद हम वहाँ पर डैंग और होल्म नाम के दो आदमी को देखते हैं। होल्म वहाँ पर ड्रग लेने आया होता है लेकिन इन लोगों ने पिछले एक हफ्ते से उसे रोक रखा है। तभी इंगा अपने असिस्टेंट गोल्डो के साथ वहाँ पर आती है। होल्म उससे फ्रैंको के बारे में पूछता है, तब इंगा बताती है कि फ्रैंको मर गया है। ये सुनकर होल्म ड्रग लेकर वहाँ से जाना चाहता था लेकिन इंगा उसे जाने नहीं देती। इसके बाद वो एक लेटर निकालती है जिसे ब्रायंट ने लिखा है। उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जासूसी शुरू कर दी है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन होने तक वो किसी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। इसी बीच वो होम को यहाँ के प्रेसिडेंट की पोजीशन देना चाहता है जिसके बदले में 200 किलो ड्रग के लॉस होने का चार्ज उससे हटा दिया जाएगा, लेकिन होम ऐसा करने को तैयार नहीं था। इसके बाद इंगा उसे जान से मारने की धमकी देती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ग्रीली भी आ जाता है जो वूडू विद्रोह में इंगा के साथ काम करने वाला है। होम परेशान हो जाता है और पूछता है कि मुझे क्या करना है। इस पर इंगा बताती है कि उसे कुछ नहीं करना, बस यहीं पर बैठे रहना है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो तीन नई लड़कियाँ आई थीं, उसमें से पेनी नाम की लड़की बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पर चार्ली और निकी नाम की दो लड़कियाँ आकर उनको बुली करने लगती हैं। वहाँ पर हम वॉल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक तरह से यहाँ की राउडी है और वो इंगा से मिली हुई है। इसके बाद वो पेनी के साथ बदतमीजी करती है। अब अगले सीन में हम KS-13 के एजेंट को देखते हैं जो एक सबमरीन की मदद से यहाँ पर पहुँच गई है। वो यहाँ पर आते ही एक गार्ड को मार देती है। इसके बाद वो यहाँ के एक बार में जाती है और पूछती है कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर किसी अमेरिकन लड़की को देखा है, लेकिन वहाँ मौजूद तीन लड़के उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, इससे उनकी आपस में बहस हो जाती है और वो लड़के इस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एजेंट उनके साथ फाइट करने लगती है और उनकी अच्छी से धुलाई कर देती है। इसी बीच एक लड़का एक बड़े से चाकू से अटैक करने आता है। इसके बाद एजेंट उसी चाकू से उस लड़के का गला काट कर मार देती है। इसके बाद वो दूसरे लड़के का दिल बाहर निकाल देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उसके पास चीफ का कॉल आ जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पर लाए गए तीनों लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ की कंडीशन देखकर बहुत परेशान हो गई हैं। फिर वहाँ पर एक गार्ड आता है और ये उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी लेकिन उसने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया था, इसीलिए वो इनकी बातों में नहीं फंसता। होम बाथरूम के लिए जाता है तो फ्रैंको को देखता है जो वहीं पर सेल के अंदर यानी कि जेल के अंदर बंद था, लेकिन किसी वजह से अब वो एक मॉन्स्टर जैसा बन चुका है। फिर हमें पता चलता है कि इंगा ने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से फ्रैंको की ये हालत हो चुकी है। फिर ग्रीली कहता है कि तुमको इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगले सीन में हम पेनी के साथ वाली दो लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर एक छापा मारने की प्लानिंग करती हैं। तभी वॉल अपने दोनों चमचों को लेकर वहाँ आ जाती है और चार्ली से उसके साथ फाइट करने को बोलती है। चार्ली के ऐसा ना करने पर उसे सजा मिल सकती थी, इसीलिए उसे पेनी से फाइट करनी पड़ती है। इसके बाद पेनी चार्ली को पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे इंगा ने बर्फ पर खड़ा करके लटकाया है और बहुत बुरी तरह से उसे टॉर्चर कर रही है। वहाँ इंगा ग्रीली से बताती है कि वो एक टॉर्चर करने वाली मशीन बना रही है जिससे किसी को भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है, और वो मशीन कुछ देर बाद उसे मार देती है। ये सुनकर ग्रीली कहता है कि उसने भी एक सेक्सुअल एवर्जन सीरम बनाया है जिसे देने से विक्टिम को प्लेजर मिलने लगता है और बाद में ये सब उस हद तक बढ़ जाता है कि वो उसके सोल तक भी पहुंच जाता है। अब इंगा अपनी बनाई हुई मशीन का डेमो दिखाना चाहती थी जिसके लिए वो लड़कियों में से एक को लेने जाती है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर लटकी हुई लड़की को मार देती है। इसके बाद हम KS-13 के चीफ को देखते हैं जो यहाँ पर आई है और एजेंट को डांट रही है क्योंकि
क्योंकि वो अंडर कवर एजेंट के जैसे काम नहीं कर रही और एक गलती की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो एजेंट को इस बार आखिरी चांस देती है और ब्रायंट को खोजकर मारने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम होम को देखते हैं जो जेल से निकलने के लिए छिपकर वहां से भाग रहा है। इस समय वहां पर कोई नहीं होता, इसीलिए वो आसानी से बाहर आ जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसी समय डैंग वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं इंग अब अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की को सिलेक्ट कर रही होती है। ये देख पेनी की एक साथी उसके साथ बहस करने लगती है, लेकिन इंगा को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट कर लेती है। अब ग्रीली को भी अपने सीरम के डेमो के लिए विक्टिम चाहिए था, इसीलिए वो इंगा से कुछ लड़कियों की डिमांड करता है। तब इंगा वॉल से उसका विक्टिम बताने के लिए बोलती है, जिसके बाद वॉल अपने अलावा सभी को वहां पर भेजने का डिसाइड करती है। ये देख उसके साथ की दोनों लड़कियों को रियलाइज हो जाता है कि वॉल एक सेल्फिश लड़की है। अब ग्रीली को भी अपनी डेमो के लिए सब्जेक्ट मिल जाते हैं, इससे ग्रीली भी बहुत खुश होता है। वही होम डैंग से कहता कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, फिर तुमने मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया। तब डैंग बताता कि अगर वो उसे यहाँ से जाने देगा तब ये लोग उसे मार देंगे, इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। ये जानकर होम भी उसकी मजबूरी समझ जाता है। डैंग बताता कि हम साथ में भी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि ये लोग हमें खोज लेंगे और मार डालेंगे, इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। होम कहता है कि अगर मैं असल में यहाँ का प्रेसिडेंट होता तो यहाँ के लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता। वहीं दूसरी तरफ अब इंगा उस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे टॉर्चर मशीन पर सेट कर देती है। दरअसल इंगा को लगता है कि ये लड़की KS-13 की एजेंट है, इसीलिए इंगा कहती है कि तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं तो ये मशीन तुम्हें इतना टॉर्चर करेगी कि तुम्हें आखिर में इन्फॉर्मेशन बतानी ही पड़ेगी। लेकिन वो लड़की कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी जानकारी नहीं बताती। इसके बाद इंगा गोर्डो से टॉर्चर मशीन को ऑन करवाती है, लेकिन इनका ये डेमो फेल हो जाता है। इनकी मशीन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती और इस लड़की को एक झटके में ही मार देती है। ये देखकर इंगा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने इस मशीन पर अपना काफी टाइम दिया था। इसके बाद हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जिनको किसी चैम्बर में बंद करके रखा गया होता है। तभी पेनी के चैम्बर में एक बड़ा सा सांप आ जाता है जिसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी एक गार्ड वहां पर आ जाता है और उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम एजेंट को देखते हैं जो अब इस जेल के पास आ गई है और यहां पर नजर रख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां खाना खा रही हैं। उसी समय वहां पर इंगा और ग्रीली आते हैं। तब उसमें से एक लड़की अपने साथी के बारे में पूछती है जिसे इंगा अपने साथ लेकर गई थी। इस पर इंगा बताती है कि वो मर गई है और वो सभी उसी का मांस खा रहे हैं। ये जानकर ये देखकर सभी परेशान हो जाती हैं। इसके बाद ग्रीली अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। वो और इंगा गैस मास्क लगा लेती हैं और ग्रीली लड़कियों के सेल में एक अजीब सी गैस छोड़ता है, जिसके कुछ देर बाद सभी लड़कियों के अंदर सेक्स करने का एक्साइटमेंट आने लगता है और वो धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है। इसके बाद ग्रीली खुद सेल के अंदर जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देख खुश होता है। अब लड़कियों की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को ही टॉर्चर करके मारने लगती हैं। ये देख इंगा ग्रीली से इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए बोलती है। इसके बाद गोर्डो ये सब बंद कर देता है। इसके बाद हम होम और डेंगो को देखते हैं। होम उसे यहाँ से बचाकर बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसी समय एजेंट वहां पर आ जाती है और पूछती है ये दोनों में से ब्रायंट कौन है, क्योंकि वो ब्रायंट को मारने के लिए ही यहाँ पर आई है। वो होम को ब्रायंट समझती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। ये देख होम उसे समझाता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ब्रायंट नहीं हूँ। लेकिन एजेंट उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे शूट करने जाती है, लेकिन उसकी गन एक्टिवेट नहीं होती, इस वजह से गोली फायर नहीं होती और होम की जान बच जाती है। ये देख डैंग उसे गन एक्टिवेट करने के लिए बताता है। तब होम पूछता है कि आखिर तुम किसकी साइड से हो। अब एजेंट होम को शूट करने वाली होती है, तभी डैंग एक ट्रिगर दबा देता है और एजेंट के नीचे एक गड्ढा हो जाता है। इसके बाद वो उसके अंदर चली जाती है। फिर डैंग होम को बताता है कि ये बहुत ही गहरा है और वहां से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी इंगा और ग्रीली भी वहां आ जाते हैं। होम सोचता है कि एजेंट अब मर गई है, इसीलिए इंगा उसे यहाँ से जाने देगी, लेकिन इंगा अभी भी उसे यहाँ से नहीं जाने देती। तभी ग्रीली उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन इंगा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रीली अपनी एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने से बहुत खुश होता है। इस एक्साइटमेंट में यानी कि इस खुशी में वो खुद को ही यहाँ का कंट्रोलर समझने लगता है, जिस वजह से इंगा उसे वही होल के अंदर गिरा देती है, जिससे ग्रीली भी उसी में फंस जाता है। इसके बाद एक गार्ड लड़कियों के सेल में जाता है, तभी पीछे से कुछ लड़कियों उसे मार देती हैं। इसके बाद पेनी और उसकी साथी जेड गन लेकर बाहर आती हैं और सभी गार्ड को मारते हुए वहां से आगे बढ़ने लगती हैं। और इसमें जेड पेनी की हेल्प कर रही थी, इसके लिए पेनी उसे थैंक यू बोलती है। इसी बीच वो फ्रैंको के सेल के पास चली जाती है। इसके बाद वो जेड को पकड़ लेता है और उसकी स्पाइन बाहर निकाल देता है। ये देख पेनी उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है, इसके बाद यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। इसके
बाद डैंग चेक करने बाहर जाता है। तब वॉल होल्म के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि वो भी बिना किसी वजह के यहां पर बंद है। वो बताती है कि जब इस आइलैंड पर ड्रग नहीं था उस समय यहां के लोग बहुत खुशी के साथ रहते थे और मेरी फैमिली भी बहुत अमीर थी, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब यहां से ड्रग सप्लाई होने लगा तब से ये पूरा आइलैंड बर्बाद हो गया। अब होल्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद मेकआउट करने के लिए दोनों रूफ पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इंगा को पता चलता है कि यहां से एक लड़की और गोर्डो गायब हो गए हैं। इंगा को इस बात से बहुत दुख होता है कि कोई भी उसकी काबिलियत के ऊपर यकीन नहीं कर रहा। इसके बाद वो एक गार्ड से फ्रैंको को मार देने के लिए बोलती है। इसके बाद वो पेनी को मारने के लिए बाहर जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो यहां से भाग रही होती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। इंगा उसके पैर पर शूट कर देती है, जिस वजह से पेनी वहीं पर गिर जाती है। तभी इंगा के पास गोर्डो आता है और उसे बताता है कि उसने टॉर्चर मशीन को ठीक कर दिया है और वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। यह सुनकर इंगा काफी खुश हो जाती है और गोल्ड को गन देकर वहाँ से चली जाती है। अब पेनी किसी तरह से समुद्र के किनारे पहुँचती है और वहाँ से एक टेलीफोन निकालती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वहीं एजेंट 5 है। इसके बाद वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड फ्रैंको को शूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रैंको उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी और दो गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दूसरा गार्ड फ्रैंको को शूट करने जाता है, लेकिन वो उसका हाथ जख्मी कर देता है और उसकी गन ले लेता है। अब वॉल होल्म से मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। होल्म यहाँ से निकलने से पहले कैश लेना चाहता था। तभी KS-13 की चीफ यहाँ आ जाती है। ये देख दोनों नीचे की तरफ भागने लगती है और चीफ इनके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर दोनों किसी तरह बचकर नीचे चले जाते हैं। इसके बाद होल्म कैश से भरा बैग लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तीनों गार्ड फ्रैंको को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी चीफ उन पर फायरिंग करके उन्हें मार देती है। इसके बाद हम इंगा को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई मशीन का खुद के ऊपर ही टेस्ट करने वाली होती है। अब गोर्डो उस मशीन को ऑन कर देता है और मशीन उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन इंगा इतनी बड़ी साइको थी कि उसे इसमें भी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंको के साथ बाकी मॉन्स्टर भी आजाद हो जाते हैं और मशीन इंगा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। दूसरी तरफ वॉल सामान खोजने नीचे गई होती है, तभी वहाँ पर बाकी लड़कियां आ जाती हैं और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी करने लगती हैं। इसी बीच होल्म कैश लेकर बाहर आने वाला होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, इससे उसका बैग वहाँ नीचे गड्ढे में गिर जाता है। इधर सभी लड़कियां वॉल से अपना बदला ले रही होती हैं और मशीन अब इंगा की आंख में ड्रिलिंग करना शुरू कर देती है। अब फ्रैंको और बाकी मॉन्स्टर डेंगो को पकड़कर मार देते हैं और अब वो होल्म को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो उनके हाथों मरने के बजाय वहीं गड्ढे में कूद जाता है। अब इंगा की बॉडी भी पूरी तरह से जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब चीफ उस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा देती है, जहां पर हम देखते हैं कि गोल्डो पहले ही वहां से बाहर आ गया है। उसी समय होल्म भी उसके पीछे से बाहर निकलता है, जो कि होल से होते हुए वहां पर आया था। इसके बाद दोनों यहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।